प्रिय विद्यार्थियों, आज हमें शब्द शुद्धि के बारे में अध्ययन करेंगे और जो क्रिया का जो प्रकरण था, क्रिया के प्रकार, वो अब हमारे समाप्त हो गए। तो कक्षा 9th के जो विद्यार्थी हैं, क्रिया के प्रकार हमने 10वीं कक्षा में करा दिए। इसी YouTube पर विद्यालय के नाम से आप उन्हें देख लें, समझ लें और आसानी से उतार लें। इसमें कोई प्रकार की जल्दी या परेशानी की कोई बात नहीं है। अब लेते हैं अगला प्रकरण, हमें शब्द शुद्धि। भाषा में शुद्ध उच्चारण के साथ साथ शुद्ध वर्तनी का विशेष महत्व है। अशुद्ध वर्तनी से भाषा का सौंदर्य तो नष्ट होता है और कहीं कहीं अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। इसलिए शब्द शुद्धि आवश्यक। अब प्रिय विद्यार्थियों, आपके परीक्षाओं में कक्षा 9th में प्रश्न किस प्रकार का आता है, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित शब्दों को वो शुद्ध करके उन्हें लिखिए। अंताक्षरी और कवियत्री अब ध्यान दीजिए बोर्ड पे निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके पुनः लिखें। ये 4 शब्द हैं और ये 2 नंबर का प्रश्न आएगा आपके। अब ये 4 अशुद्ध हैं, इनको शुद्ध करके लिखें। रचयिता शुद्ध, प्रज्वलित प्रज्वलित प्रज्वलित, इसमें 1 जय आएगा आधा। और नंबर 3 है अंताक्षरी, ये गलत है। अंत्याक्षरी और नंबर 4 है कवयित्री। अब ये 4 सही हो गए, रचयिता रचयिता होगा शुद्ध। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि हमारा उच्चारण दोष है और जैसा हम उच्चारण करते हैं वैसा ही लिखते हैं। हम बोलते हैं रचयिता तो गलत है, शुद्ध होगा रचयिता। और प्रज्वलित, प्रज्वलित में 1 आधा जाएगा। इसी प्रकार
हम उच्चारण बोलते हैं अंताक्षरी, सभी बोलते हैं, लेकिन शुद्ध है अंत्याक्षरी। और नंबर चार देखिए, कवियत्री, ये बिल्कुल गलत है, शुद्ध होगा कवयित्री। इसी प्रकार शब्द शुद्धि चाहे केंद्रीय केंद्र में नौकरी हो, चाहे राज्य सरकार में हो, सभी नौकरियों के लिए चार प्रश्न पूछे जाते हैं शब्द शुद्धि संबंधी। जैसे देखिए नंबर एक, नंबर चार और प्रश्न आता है इनमें से वर्तनी की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शब्द शुद्ध है। अब ये चार दे रखे हैं और कंपटीशन संबंधित परीक्षाओं में इस तरह का प्रश्न आता है, इनमें से वर्तन की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। अब यह पुरस्कार और यह पुरस्कार और यह पुरस्कार और यह पुरस्कार, तो चारों में से ये वाला सही है नंबर तीन, शुद्ध है पुरस्कार। और हमारा उच्चारण दोष के कारण हम पुरस्कार बोलते हैं, विद्यार्थियों पुरस्कार यानी तो क्या पुरुष की कार, पुरस्कार पुरुष यानी तो पुरुष और कार यानी कार, पुरुष की कार हो गया, तो ये बिल्कुल गलत, शुद्ध ये वाला है। अब नंबर दो देखिए, अब ये चार शब्द हुए हैं उज्ज्वल उज्ज्वल उज्ज्वल, लेकिन इनमें से एक सही है, वो देखना आप, उज्ज्वल ये वाला सही है, दोनों जय आते आते हैं। अब इसी प्रकार है, ये तो दो नंबर हो गया और नंबर तीन देखिए, नंबर
नंबर एक पे ही और है और दो ही और है। अब ये चार शब्द दिए गए और इनमें से शुद्ध कौन सा है, ये वाला विदुषी। अब उदाहरण नंबर ये देखिए, प्रश्न नंबर चार जो प्रतियोगिता परीक्षा में आते हैं, बाल नंबर दो और नंबर तीन है वाल्मीकि और नंबर है चार। अब ये चार शब्द लिखे वाल्मीकि वाल्मीकि, एक सही है आपका, ये वाला वाल्मीकि नंबर चार। तो प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 9 10th के विद्यार्थी ध्यान दें, या आपके कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में नहीं, जीवन में जब भी आप नौकरी संबंधी प्रतियोगिता परीक्षा दोगे तब ये इस तरह के तीन चार अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे और शब्द शुद्धि के द्वारा ही वाक्य शुद्धि का भी ज्ञान आपको सही हो जाएगा। इसलिए वाक्य शुद्धि के लिए शब्द शुद्धि जरूरी है। आप देखिए अहिल्या, ये जो शब्द लिखे अहिल्या कैलाश, ये गलत है क्योंकि उच्चारण हम ऐसा ही करते हैं। अहिल्या शब्द सही है अहिल्या। क्योंकि ये अहिल्या गलत है, ये वाला सही है। क्यों है विद्यार्थियों, रामायण के अंदर ये शब्द है और रामायण हमारा पवित्र पावन है और धार्मिक ग्रंथ है और महर्षि वाल्मीकि ने इसको लिखा था, तो हमको यही सही मानना है और सही है भी। और उसी प्रकार ये कैलाश है, ये गलत है, ये वाला कैलाश सही है क्योंकि जो कैलाश पर्वत है जिस पर भगवान है शिवजी रहते थे, विराजमान रहते थे, उसी कैलाश के आधार पर हमने कैलाश नाम रखा है। लेकिन हमें ऐसा भी लिख देते हैं, लेकिन शुद्ध कैलाश ये कैलाश पर्वत रामायण में यही लिखा हुआ है और हम अशुद्ध बोलते हैं युधिष्ठिर। प्रिय विद्यार्थियों, के युधिष्ठिर गलत है और शुद्ध है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ये वाला सही है।
उच्चारण दोष हमारा क्या है, हम बोलते हैं युधिष्ठर, ये बिल्कुल गलत है, और शुद्ध होगा युधिष्ठिर, क्योंकि हमारा धार्मिक जो ग्रंथ है भगवद गीता, जिसको महर्षि वेद व्यास जी ने लिखी है, उसमें ये वाला युधिष्ठिर सही है, और यही मान लें, ये बिल्कुल अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, और ये वाला भी अशुद्ध है। आप ध्यान